अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम मौजूद हैं ननकाना साहब में मौजूद सबसे खूबसूरत जगह ननकाना रिज़ॉर्ट। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, शुक्रिया। रना रिज़ॉर्ट आज बाई चांस ही खाली पड़ा था, वरना यहाँ हर वक्त रश ही होता है। हम दो दोस्तों के अलावा यहाँ पर एक फैमिली और तीन चार लड़के मौजूद थे, और उन लड़कों से तारुफ के बाद पता चला वो भी मेरे सिटी के हैं। रिज़ॉर्ट में मोर और कुछ और खूबसूरत जानवर भी रखे गए हैं। रिज़ॉर्ट का सबसे खूबसूरत हिस्सा ये छोटी सी मसनू झील और यहाँ पर बोट्स वगैरह। हम मौजूद हैं इस वक्त रौना रिज़ॉर्ट में, बहुत ही खूबसूरत पार्क है ये। ननकाना साहब में मौजूद है और इसकी टिकट है 250 एंट्री। ये मेरे पीछे झील है इस वक्त, बहुत ही खूबसूरत झील बनाई हुई है इन्होंने, जिसके अंदर बतखें वगैरह भी जो है आपको तैरती हुई दिखाई देंगी। ये चबूतरे टाइप की बोट बनाई गई है। ये एरिया बैठने के लिए बनाया गया है। यहाँ टेबल और चेयर्स वगैरह रखे गए हैं। यहाँ पर पैडल बोर्ड भी मौजूद है और खुशकिस्मती से आज बिल्कुल फ्री थी। और रिज़ॉर्ट की सबसे खास बात, इनकी मैनेजमेंट बहुत ही आला है। राहदारी के दोनों तरफ और झील की दूसरी साइड पर भी पौधे लगाए गए हैं। हमने अभी बोट पर बैठने का फैसला किया। हम झील की सैर कर रहे हैं बोट पर। ये मैं और मेरा दोस्त नजीब दोनों बोट को एंजॉय कर रहे हैं। चक्कर काट रहे हैं मुकाबला हो रहा है। चल छाट सुए। बोट से उतर कर हम बाकी एरिया की तरफ जा रहे हैं। ये भी सिटिंग एरिया बनाया गया, बहुत ही खूबसूरत पार्क है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा प्लीज यहाँ एक दफ़ा लाजमी विज़िट करें। रौना रिज़ॉर्ट ननकाना, इसे ननकाना रिज़ॉर्ट भी कहते हैं। ये टक शॉप है। हाँ की लेना है, की लेना है ले ला जो भी। ये भी सिटिंग एरिया है झील के साथ जो उन्होंने सिटिंग है, बहुत ही प्यारा बनाया गया। पूरी पार्क ही बहुत खूबसूरत है, आप आएंगे तो इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे। और एक बेहतरीन चीज़, इन्होंने जगह जगह पर टेबल्स और चेयर्स रखी हुई हैं।
जितनी ज़्यादा फैमिलीज हो वो इजी होकर बैठ सकते हैं। नहीं नहीं गेड़ा शेड़ा को रोड बंद होना ला वरना बंद ताले मार के तोड़ देना। अच्छा कितने बजे ये ऑटो गेट साथ लाओगे नहीं होना दुनिया कितना जनों नहीं पता ताले देने ना भाई दे अंदर रह के आने यार असल चौपिंग भी आ उन्हें भी नहीं यार असल मैं तो अगर आप यहाँ पर नाइट के लिए स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत हट बनाए गए हैं, लेकिन आने से पहले आपको उनके लिए बुकिंग करवाना होगी। यकीन करें यहाँ से वापस आने को दिल ही नहीं थका रहा। हालांकि शाम का वक्त हो रहा था, लेकिन दिल चाह रहा था हम भी यहाँ से हट बुक करवा लें, लेकिन टाइम ओवर हो चुका था। ओके दोस्तों, मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक नई जगह पर नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।